हाय गाइस आज के स्पीडो में आपका कंप्यूटर शॉर्टकट की मॉक टेस्ट होने वाला है जिसे हमने टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिए हैं फर्स्ट पार्ट में रहेंगे विंडोज़ से रिलेटेड ट्वेंटी क्वेश्चन एम एस वर्ड से रहेंगे फिफ्टी टू क्वेश्चन एक्सल से थर्टी थ्री और पावर पॉइंट से हम ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं टोटल हम 128 ट्वेंटी को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आपको कहीं इंटरव्यू देने जाना है अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख के जाते हैं तो आप बिल्कुल भी नहीं फंसने वाले हैं हमने इसे टॉपिक वाइज इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि टॉपिक वाइज डिवाइड करने का रीज़न ये है कुछ शॉर्टकट की ऐसे होते हैं जिनका यूज़ एम एस वर्ड में जो होता है एक्सल अगर हम पावर पॉइंट में करें तो फिर उनका यूज़ चेंज हो जाता है इसीलिए आपको कोई कंफ्यूजन ना हो हमने टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिए हैं तो चलिए बिना डिले किए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट में आपको ट्वेंटी क्वेश्चन मिलेंगे अब हम देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चंस को सही कर पाते हैं एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर वन है द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ न्यू फाइल और यू कैन से फोल्डर जो आप माउस से राइट right क्लिक करके न्यू में जाके फोल्डर क्रिएट करते हैं ये बहुत लेंदी प्रोसेस है इसे आप शॉर्टकट की के मदद से कर सकते हैं और वो इनमें से कौन सा है करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन की मदद से आप न्यू फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं आप में से किसको ये यह शॉर्टकट की पहले से नहीं पता था कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा क्वेश्चन नंबर टू है कंप्यूटर रिफ्रेश शॉर्टकट की कंप्यूटर को रिफ्रेश करने का शॉर्टकट की इनमें से कौन सा है राइट right आंसर होगा बी नंबर एफ फाइव जब आप अपने कंप्यूटर को माउस से एक बार रिफ्रेश करने के बाद एफ फाइव प्रेस करते रहते हैं तो आपका कंप्यूटर सिस्टम रिफ्रेश होता रहता है कंप्यूटर कंप्यूटर को शट डाउन या री स्टार्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है करेक्ट आंसर होगा अल्ट प्लस एफ फोर जब आप अल्ट प्लस एफ फोर प्रेस करते हैं तो वहां पे आपको शट डाउन री स्टार्ट स्लिप ये सभी ऑप्शंस मिल जाते हैं बस आपको की प्रेस करना रहता है शॉर्टकट की टू ओपन रन डायलॉग बॉक्स रन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने का शॉर्टकट की इनमें से कौन सा है इस क्वेश्चन को हमने कई सारे वीडियोस में बताए भी है राइट right आंसर होगा विंडो प्लस आर Which key is used to rename a सिलेक्टेड आइकन एंड फाइल फोल्डर इन विंडोज अगर आप विंडोज में किसी भी सिलेक्टेड आइकन या फाइल फोल्डर को rename करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की मदद से करेंगे करेक्ट आंसर होगा ए नंबर F2. टू वट इज द शॉर्टकट की फॉर हेल्प अगर आप कंप्यूटर में कहीं पे भी हेल्प लेना चाहते हैं तो कौन सा शॉर्टकट की होता है करेक्ट आंसर होगा एफ वन स्विफ्ट कंट्रोल अल्ट आर एग्जाम्पल ऑफ फिच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरी राइट आंसर होगा बी नंबर मोडिफायर कीज फिच की लेट्स यू एग्जिट द प्रोग्राम वेन पोस्ट राइट आंसर होगा सी नंबर स्केप की व्हाट इज द यूज ऑफ शिफ्ट प्लस डिलीट कंप्यूटर में शिफ्ट प्लस डिलीट का क्या यूज होता है करेक्ट आंसर होगा सी नंबर फॉर परमानेंट डिलीट विच कीज आर इधर यूज अलोन और इन कॉम्बिनेशन विथ अदर कीज टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन इनमें से किस की का यूज या तो हम सिंगल करते हैं या किसी की कॉम्बिनेशन के साथ में करते हैं किसी भी काम को या एक्शन को परफॉर्म करने के लिए राइट right आंसर होगा नेविगेशन की विच की हेल्प्स टू मूव एंड ऑफ द लाइन किसी भी लाइन के लास्ट में जाने के लिए इनमें से किस की का यूज किया जाता है राइट right आंसर होगा ए नंबर एंड की टू डिलीट वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट प्रेस अगर आप एक कैरेक्टर को लेफ्ट साइड से डिलीट करना चाहते हैं तो इनमें से किस की को प्रेस करेंगे स्पेस डिलीट बैक स्पेस या एंटर राइट आंसर होगा सी नंबर बैक स्पेस को हम प्रेस करते हैं जब आपको एक कैरेक्टर को लेफ्ट साइड से डिलीट करना होता है तब इसी क्वेश्चन को आपसे पूछ सकता है अगर आप वन कैरेक्टर टू द राइट से डिलीट करना चाहते हैं तब इनमें से किस की को प्रेस करेंगे तो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर डिलीट की को हम प्रेस करते हैं जब आप किसी भी कैरेक्टर को राइट right साइड से डिलीट करते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है इसीलिए आप याद रखेंगे टू ओपन टास्क मैनेजर द शॉर्टकट की इज कंप्यूटर में टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्केप की टू डिस्प्ले द स्टार्ट मेनू प्रेस स्टार्ट मेनू को डिस्प्ले करने के लिए आप इनमें से किस शॉर्टकट की की मदद से कर सकते हैं राइट right आंसर होगा कंट्रोल प्लस स्केप की प्रेस करके जरूर देखिएगा द शॉर्टकट की टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर इज राइट आंसर होगा विंडो प्लस ई फिच शॉर्टकट की इज यूज टू डिस्प्ले द डेक्स अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं डेस्कटॉप को डिस्प्ले करना चाहते हैं यानी कि सबको मिनिमाइज करके डेस्कटॉप पे जाना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की की मदद से जा सकते हैं करेक्ट आंसर होगा डी नंबर विंडो प्लस डी फिच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू डिस्प्ले द प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स अगर आप किसी भी चीज के प्रॉपर्टीज को चेक करना चाहते हैं प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स को ओपन करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की की मदद से कर सकते हैं और वो इनमें से कौन सा है करेक्ट आंसर होगा अल्ट प्लस एंटर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है हाउ टू री स्टोर द मिनिमाइज विंडोज आपने जो विंडो प्लस डी से सभी को मिनिमाइज कर दिया है उसे री स्टोर करके फिर से अगर उसमें काम करना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है राइट right आंसर होगा विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एम जितने भी आपके मिनिमाइज विंडोज हैं सभी री स्टोर हो जाएंगे और क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिस्प्ले और हाइड द स्टार्ट मेनू या तो स्टार्ट मेनू को डिस्प्ले या फिर हाइड करने के लिए इनमें से किसका यूज़ किया जाता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में करेक्ट आंसर होगा विंडो की सिंगल आप विंडो की की मदद से स्टार्ट मेनू को डिस्प्ले भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं इसी के साथ हमारा पार्ट वन कंप्लीट हुआ अब आपको ये बताना है कि ट्वेंटी में आपने कितने क्वेश्चंस को सही किए हैं आप पार्ट वन लिख के कमेंट में लिख दीजिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हमारा पार्ट टू स्टार्ट होगा पार्ट टू में हम एम एस वर्ड को स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें फिफ्टी टू क्वेश्चन रहेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं जब भी एग्जाम में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो किस किस टर्म का यूज़ करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है एम एस वर्ड से वर्ड एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन इनमें से किसी भी टर्म का यूज़ करके आपसे एम एस वर्ड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए चलिए स्टार्ट करते हैं विच शॉर्टकट की इज यूज टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर इस्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है राइट right आंसर होगा बी नंबर एफ सेवन विच फंक्सन की इज़ यूज टू ओपन द सेवैस डायलॉग बॉक्स से वैस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए इनमें से किस फंक्शन की का यूज़ किया जाता है करेक्ट आंसर होगा डी नंबर एफ ट्वेल्फ कंट्रोल प्लस ए इज यूज फॉर कंट्रोल ए का क्या यूज होता है एम एस वर्ड में राइट right आंसर होगा बी नंबर सिलेक्ट ऑल कंटेंट्स ऑफ द पेज पेज के पूरे कंटेंट को अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए की मदद से आसानी से कर सकते हैं कंट्रोल प्लस बी इज यूज फोर करेक्ट आंसर होगा ए नंबर बोल्ड द सिलेक्टेड टेक्स्ट जितने भी टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट करके रखा है कंट्रोल बी की मदद से आप उसे बोल्ड बना देंगे कंट्रोल प्लस सी इज यूज फॉर राइट आंसर होगा बी नंबर कॉपी एनी थिंग विच इज सिलेक्टेड एनी थिंग का मतलब है आप कंप्यूटर में अगर किसी भी वर्ड पैराग्राफ सेंटेंस फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करके रखे हैं कॉपी करेंगे तो वो कंट्रोल सी की मदद से कॉपी हो जाएगा इसीलिए हमने लिखा है कॉपी एनी थिंग विच इज सिलेक्टेड कंट्रोल प्लस डब्लू इज यूज फॉर राइट right आंसर होगा बी नंबर क्लोज द करेंट विंडो फ्रॉम वेयर यू कैन रिप्लेस द टेक्स्ट आप टेक्स्ट को कहां से रिप्लेस कर सकते हैं राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस एच आप गलती क्या करते हैं सोचते हैं रिप्लेस आर से स्टार्ट होता है इसीलिए शॉर्टकट की कंट्रोल आर होगा लेकिन रिप्लेस का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एच होता है ये आपको याद रखना है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पी इज यूज फॉर कंट्रोल पी का यूज हम किस लिए करते हैं एम एस वर्ड में करेक्ट आंसर होगा डी नंबर ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स जब आप कंट्रोल पी प्रेस करेंगे ना कंट्रोल पी का यूज होता है प्रिंट के लिए लेकिन जैसे ही आप कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो सीधे प्रिंट होने लगेगा आपके पास एक प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन होके आता है जिसमें आप कितने नंबर ऑफ कॉपीज को किस पेज में चाहिए पेज ओरिएंटेशन क्या रहेगा ये सब सेटिंग करते हैं देन ओके करने के बाद प्रिंट होता है इसीलिए हम कहते हैं कंट्रोल पी का यूज़ हम प्रिंट के लिए करते हैं फिज शॉर्टकट की इज यूज टू डिस्प्ले द फुल पेज और प्रिंट प्रिव्यू अगर आप फुल पेज देखना चाहते हैं या प्रिंट प्रिव्यू देखना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की को प्रेस करके चेक कर सकते हैं राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस एफ टू बहुत ही कमाल का शॉर्टकट की है प्रेस करके जरूर देखिएगा फिच शॉर्टकट की इज यूज फॉर पेस्ट पेस्ट के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस भी देखिए पेस्ट स्टार्ट होता है पी से लेकिन इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल भी ये भी याद रखने वाली चीज है विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन गो टू विंडो एम वर्ड में अगर आप गो टू विंडो को लाना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की की मदद से आएगा राइट right आंसर होगा कंट्रोल प्लस जी कंट्रोल जे इज यूज फॉर अलाइन जस्टिफाई किसी भी पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए हम कंट्रोल जे का यूज करते हैं एम एस वर्ड में कंट्रोल प्लस एन इज यूज फॉर राइट आंसर होगा बी नंबर न्यू डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्लस आर इज यूज फॉर करेक्ट आंसर होगा राइट अलाइन द सिलेक्टेड पैराग्राफ अगर आपका सिलेक्टेड पैराग्राफ जो है वो लेफ्ट में है या सेंटर में है राइट right में लाने के लिए आप कंट्रोल आर प्रेस करेंगे कंट्रोल आई इज यूज फॉर इटैलिक लेफ्ट इंडेंट सेव डॉक्यूमेंट या फिर क्लोज डॉक्यूमेंट करेक्ट आंसर होगा ए नंबर कंट्रोल आई का यूज होता है इटैलिक के लिए यू कैन जंप टू द नेक्स्ट कॉलम बाय आप नेक्स्ट कॉलम में इनमें से किसकी मदद से जंप कर सकते हैं राइट आंसर होगा सी नंबर प्रेस अल्ट प्लस डाउन एरो की वट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने का शॉर्टकट की क्या होता है राइट right आंसर होगा कंट्रोल प्लस पी व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स एम एस वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने का शॉर्टकट की क्या होता है कंट्रोल डी कंट्रोल सिफ्ट एफ या फिर दोनों या फिर कोई नहीं राइट right आंसर होगा सी नंबर कंट्रोल डी और कंट्रोल सिफ्ट प्लस एफ दोनों की मदद से हम फोन डायलॉग बॉक्स को ला सकते हैं एम एस वर्ड में कंट्रोल प्लस एस इज यूज फॉर राइट आंसर होगा सेव डॉक्यूमेंट विद द सेम नेम कंट्रोल एम इज यूज टू लेफ्ट इंडेंट राइट इंडेंट न्यू डॉक्यूमेंट या फिर क्लोज डॉक्यूमेंट करेक्ट आंसर होगा ए नंबर लेफ्ट इंडेंट के लिए हम कंट्रोल एम का यूज करते हैं वट इज द यूज ऑफ कंट्रोल क्यू कंट्रोल क्यू का किस लिए यूज होता है राइट right आंसर होगा बी नंबर रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जो आप कंट्रोल एम की मदद से लेफ्ट इंडेंट लाते हैं उसी को रिमूव करने के लिए हम कंट्रोल क्यू का यूज करते हैं कंट्रोल प्लस व्ही कैन बी यूज टू पेस्ट एनीथिंग विच इज कट या फिर पेस्ट एनी थिंग विच इज कॉपीड बोथ ऑफ दब या फिर नन ऑफ अबव राइट आंसर होगा सी नंबर कंट्रोल भी का हम यूज करते हैं पेस्ट जो भी कट है या फिर पेस्ट जो भी कॉपी हो चुका है कंट्रोल प्लस एक्स कैन बी यूज टू राइट आंसर होगा कट एनी थिंग च इज सेलेक्टेड वट इज द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस पेज अपर होगा ए नंबर मुफ्स द कर्जर वन पेज अप जब आप अपने कर्जर को एक पेज अप ले जाना चाहते हैं तो कंट्रोल पेज अप प्रेस कीजिए वट इज द यूज ऑफ पेज डाउन की पेज डाउन की का क्या यूज होता है करेक्ट आंसर होगा बी नंबर मूव्स द कर्जर वन स्क्रीन डाउन जब आप सिंगल पेज डाउन की का यूज करेंगे तो आपका कर्जर वन स्क्रीन डाउन होगा हाउ कैन यू ब्रेक द करेंट कॉलम करेंट कॉलम को आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं राइट right आंसर होगा डी नंबर प्रेस कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर विच शॉर्टकट की इज यूज टू स्विच फ्रॉम वन वर्ड डॉक्यूमेंट टू अनदर वर्ड डॉक्यूमेंट अगर आपने वर्ड की तीन चार फाइलें ओपन करके रखी है एक से दूसरे में दूसरे से तीसरे में जाने के लिए इनमें से किस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं राइट right आंसर होगा कंट्रोल सिफ्ट प्लस एफ सिक्स इन एम एस वर्ड विच शॉर्टकट की इज यूज टू चेंज द टेक्स्ट केस टेक्स्ट के केस को चेंज करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है एमएस वर्ड में अगर आपने सभी चीजों को स्मॉल में लिखा है या कैपिटल में लिखा है कैपिटल से स्मॉल स्मॉल से कैपिटल करने का की क्या होता है राइट right आंसर होगा बी नंबर प्लस शॉर्टकट की फॉर प्रीव्यूइंग पेज बिफोर प्रिंटिंग जब आप प्रिंट करते हैं उससे पहले प्रिंट प्रीव्यू जरूर देखते हैं कि हमारा पेज प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा इसके आप शॉर्टकट की की मदद से चेक कर सकते हैं करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस एफ टू प्रेस करेंगे तो आपको प्रीव्यू दिखेगा पेज का प्रिंट करने के पहले फिर शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट अ बुलेट पॉइंट क्विकली आप कोई भी चीज टाइप कर रहे हैं और आपको लगता है कि यहाँ पे बुलेट पॉइंट ऐड करने की जरूरत है तो आप उसे तुरंत शॉर्टकट की की मदद से कर सकते हैं और वो इनमें से कौन सा है करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल सिफ्ट प्लस एल देखिए बुलेट स्टार्ट होता है बी से लेकिन इसका शॉर्टकट की होता है इंसर्ट करने का कंट्रोल सिफ्ट प्लस एल आप एग्जाम में गलती क्या करेंगे बी में टिक कर देंगे जो गलती आपको नहीं करना है क्योंकि अब आपने वीडियो को देख लिया है वट इज द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक अगर आप लाइन को मैनुअली ब्रेक करना चाहते हैं तो इनमें से किस शॉर्टकट की का यूज होगा करेक्ट आंसर होगा स्विफ्ट प्लस एंटर वट इज द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस इक्वल की कंट्रोल इक्वल का यूज हम किस लिए करते हैं सैडो सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट या फिर ओल कैप्स राइट आंसर होगा सी नंबर सुपर स्क्रिप्ट के लिए हम कंट्रोल इक्वल का यूज करते हैं हाउ कैन यू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट के फॉन्ट साइज को आप शॉर्टकट की मदद से भी इंक्रीज कर सकते हैं और वो इनमें से कौन सा है करेक्ट आंसर होगा बाइप्रेसिंग कंट्रोल प्लस क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट्स अगर आप उस साइज को डिक्रीज करना चाहते हैं घटाना चाहते हैं तब इनमें से किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे राइट right आंसर होगा बाइप्रेसिंग कंट्रोल प्लस ओपन स्क्वायर ब्रैकेट्स वट इज़ द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ कॉपीराइट राइट सिम्बल इन एम एस वर्ड अगर आप एम एस वर्ड में कॉपी राइट सिम्बल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की की मदद से कैसे करेंगे आप इंसर्ट में जाके सिंबल सिम्बल से ला सकते हैं लेकिन यहाँ पे आपसे शॉर्टकट की के बारे में पूछा जा रहा है राइट right आंसर होगा अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी होम की इज यूज फॉर होम की का क्या यूज होता है करेक्ट आंसर होगा मूव्स द कर्जर बिगनिंग ऑफ द लाइन लाइन के बिगनिंग में कर्जर को ले जाने के लिए होम की का यूज होता है शॉर्टकट के फोर ओपन कॉलम्स डायलॉग बॉक्स अगर आप एम एस वर्ड में कॉलम्स डायलॉग बॉक्स को ओपन करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की की मदद से कर सकते हैं करेक्ट आंसर होगा प्रेस अल्ट प्लस ओ प्लस सी तो आपके सामने ओपन होगा कॉलम्स डायलॉग बॉक्स विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंक्रीज लेफ्ट इंडेंट लेफ्ट इंडेंट को इंक्रीज करने का शॉर्टकट की क्या होता है राइट right आंसर होगा कंट्रोल प्लस एम वट इज द यूज ऑफ कंट्रोल जेड करेक्ट आंसर होगा फोर अंडू वट इज द यूज ऑफ कंट्रोल वाई करेक्ट आंसर होगा फोर रीडू द सेंटर द सिलेक्टेड टेक्स्ट द शॉर्टकट की इज सेलेक्टेड टेक्स्ट को सेंटर में लाने का शॉर्टकट की क्या होता है राइट right आंसर होगा कंट्रोल प्लस ई सेंटर भी स्टार्ट होता है सी से लेकिन सी होता है कॉपी का शॉर्टकट की सेंटर के लिए हम कंट्रोल ई e का यूज करते हैं प्रेस डैश टू ओपन फाइंड डायलॉग बॉक्स फाइंड डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए आपको इनमें से किसे प्रेस करना है राइट right आंसर होगा ए नंबर कंट्रोल एफ अल्ट प्लस वाई एम एस ऑफिस में अल्ट वाई का क्या यूज होता है गो टू हेल्प टैब गो टू द व्यू टैब गो टू द रिव्यू टैब या फिर गो टू द एड इन टैब करेक्ट आंसर होगा गो टू टैब आप जैसे ही अल्ट वाई प्रेस करेंगे चाहे आप एम एस ऑफिस में कहीं पे भी हो सीधे हेल्प टैब में पहुंच जाएंगे टू इंक्रीज द लाइन स्पेसिंग प्रेस लाइन स्पेस को इंक्रीज करने के लिए बढ़ाने के लिए आप इनमें से किसे प्रेस करेंगे करेक्ट आंसर होगा डी नंबर कंट्रोल प्लस फाइव हाउ कैन यू मेक द सिलेक्टेड कैरेक्टर सुपर स्क्रिप्ट आप किसी भी सिलेक्टेड कैरेक्टर को सुपर स्क्रिप्ट इनमें से किसकी मदद से बना सकते हैं राइट right आंसर होगा सी नंबर कंट्रोल सिफ्ट प्लस इक्वल आप कई सारे बुक में देखेंगे आपको मिलेगा कंट्रोल सिफ्ट प्लस लेकिन इससे आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट सुपर स्क्रिप्ट नहीं होगा आप जैसे ही एमएस वर्ड ओपन करेंगे ये जो एक्स स्क्वायर का सिंबल दिख रहा है ये सुपर स्क्रिप्ट का सिंबल है यहाँ पे जैसे ही आप कर्सर ले जाएंगे आपको शॉर्टकट की मिलेगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेकिन इससे हमारा टेक्स्ट सुपर स्क्रिप्ट नहीं होता है आपको प्रेस करना पड़ता है कंट्रोल शिफ्ट के साथ में इस वाले की को प्लस और इक्वल ये जो दोनों की आप देख रहे हैं एक साथ इस बटन को आप जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे आपका टेक्स्ट सुपर स्क्रिप्ट बन जाएगा यह आपको याद रखना है टू मूव द कर्जर पेज टू पेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप कर्जर को पेज टू पेज मूव कराने के लिए इनमें से किसका यूज करेंगे राइट right आंसर होगा सी नंबर बोथ ऑफ दिस आप कंट्रोल प्लस पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन दोनों का यूज़ करेंगे फिच अमंग द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू एड रूरल्स इन आर ड्रॉइंग एरिया ड्रॉइंग एरिया में रूरल्स को एड करने के लिए इनमें से किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है कंट्रोल सी कंट्रोल भी कंट्रोल पी या फिर कंट्रोल आर राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस आर टू डिलीट द सिलेक्टेड टेक्स्ट प्रेस जो टेक्स्ट सिलेक्ट है उसे डिलीट करने के लिए आप इनमें से किस की को प्रेस करेंगे राइट right आंसर होगा बी नंबर डिलीट टू शो द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रेस फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को शो करने के लिए किसका यूज करेंगे राइट right आंसर होगा कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की टू इंसर्ट हाइपर लिंक इन आ डॉक्यूमेंट इज किसी भी डॉक्यूमेंट में हाइपर लिंक को इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है राइट right आंसर होगा कंट्रोल प्लस के यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं हाइपर लिंक एच से स्टार्ट होता है तो शॉर्टकट की कंट्रोल एच पे टिक कर देते हैं कंट्रोल के होता है हाइपर लिंक का शॉर्टकट की के लास्ट में जो वर्ड है उससे ये आप याद रखिएगा विच इज यूज टू डिलीट वन वर्ड टू द राइट एक वर्ड को राइट साइड से डिलीट करने के लिए किसे प्रेस करेंगे कंट्रोल टैब कंट्रोल एंटर कंट्रोल डिलीट या कंट्रोल बैक स्पेस करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस डी प्रेस करेंगे राइट साइड से डिलीट करने के लिए अगर इसी क्वेश्चन को आपसे पूछा जाए कि वन वर्ड लेफ्ट साइड से डिलीट करने के लिए आप क्या प्रेस करेंगे तब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस बैक स्पेस तो इसी के साथ हमारा एम एस वर्ड खत्म होता है जिसमें हमने 52 क्वेश्चंस को कवर किए अब आप ये बताइए कि पार्ट टू में आपने 52 में कितने क्वेश्चंस को सही किए हैं कमेंट में लिख के बताइए अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारा पार्ट थ्री है माइक्रोसॉफ्ट एक्सल जिसके थर्टी थ्री को इस वीडियो में हम देखेंगे देखिए एम एस एक्सल स्टार्ट करने से पहले जब भी एक्सल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो किस किस टर्म को यूज़ किया जाता है ये देख लीजिए आपसे पूछ सकता है एक्सल एम एस एक्सल माइक्रोसॉफ्ट एक्सल सीट्स स्प्रेडशीट बुक या फिर वर्क बुक इनमें से किसी भी टर्म का यूज किया जाए आप ये समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट एक्सल का है क्लियर है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर वन है इन एक्सेल, टू क्रिएट अ न्यू बुक शॉर्टकट की इज एक्सेल में न्यू वर्क बुक क्रिएट करने का शॉर्टकट की क्या होता है राइट right आंसर होगा सी नंबर कंट्रोल प्लस एन ओपन वर्क बुक्स कैन इजली बी स्विचड यूजिंग आपने दो तीन वर्क बुक को ओपन करके रखा है एक से दूसरे में स्विच करने के लिए किसका यूज करेंगे आसानी से राइट right आंसर होगा कंट्रोल प्लस टैब इन एक्सल वर्क बुक कैन बी क्लोज यूजिंग एक्सेल में आप वर्कबुक को क्लोज किससे यूज करके कर सकते हैं राइट right आंसर होगा डी नंबर कंट्रोल प्लस डब्लू आपने अभी तीन चीज सीखा पहला अगर आप एक्सेल में न्यू वर्कबुक क्रिएट करना चाहते हैं तो कंट्रोल एन का यूज करेंगे दो तीन वर्कबुक ओपन करके रखा है एक से दूसरे में स्विच करने के लिए कंट्रोल टैब का प्रेस करेंगे किसी भी वर्कबुक को क्लोज करने के लिए हम कंट्रोल डब्ल्यू का यूज करेंगे अब आगे बढ़ते हैं टू क्रिएट अ चार्ट इन एक्सल प्रेस एक्सल में चार्ट क्रिएट करने का शॉर्टकट की क्या होता है राइट right आंसर होगा एफ इलेवन इन एक्सल विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द सेवर्स डायलॉग बॉक्स सेव एस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए एक्सेल में किस शॉर्टकट का यूज किया जाता है राइट right आंसर होगा बी नंबर F12। आप F12 की मदद से एमएस ऑफिस में कहीं पे भी सेव एस का डायलॉग बॉक्स ही ओपन करेंगे तो ये आप याद रखिएगा। कॉमन क्वेश्चन है इन एक्सेल कंट्रोल एस कैन बी यूज टू राइट आंसर होगा ए नंबर सेव प्रेस डैश टू ब्रिंग अप सर्च बॉक्स सर्च बॉक्स को लाने के लिए आप क्या प्रेस करेंगे करेक्ट आंसर होगा सिफ्ट प्लस एफ फाइव वाइल सिलेक्टिंग मल्टीपल वर्कशीट इन एक्सल द फॉलोइंग की मस्ट ऑल्सो बी यूज वेन क्लिकिंग सीट टैब जब आप एक से ज़्यादा वर्कशीट्स को एक्सल में सिलेक्ट करते हैं तो इनमें से किस की को साथ में प्रेस किया जाता है जब आप सीट टैब पे क्लिक करते हैं तब करेक्ट आंसर होगा सी नंबर कंट्रोल को आप प्रेस करके रखते हैं उसके बाद जिस भी वर्कशीट को सिलेक्ट करते हैं उस पर क्लिक करते जाते हैं इससे आप मल्टीपल वर्कशीट को सिलेक्ट कर सकते हैं व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाईलाइट द इंटायर कॉलम इंटायर कॉलम को हाईलाइट करने का शॉर्टकट की क्या होता है राइट right आंसर होगा कंट्रोल प्लस स्पेस बार वॉट इज द शॉर्टकट की टू हाईलाइट द इंटायर रो इंटायर रो को आप कैसे हाईलाइट कर सकते हैं करेक्ट आंसर होगा शिफ्ट प्लस स्पेस बार टू सिलेक्ट ऑल रोज एंड कॉलम्स इन द वर्कशीट प्रेस आप इंटायर रो और कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए इनमें से किसका यूज करते हैं करेक्ट आंसर होगा ए नंबर कंट्रोल प्लस ए टू मिनिमाइज द करेंटली सिलेक्टेड विंडो प्रेस जो आपका करेंट में विंडो सिलेक्ट है उसे मिनिमाइज करने के लिए क्या प्रेस करेंगे करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस एफ नाइन अगर उसी विंडो को मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं तो फिर क्या यूज करेंगे राइट right आंसर होगा कंट्रोल प्लस एफ टेन तो मिनिमाइज के लिए कंट्रोल एफ नाइन मैक्सीमाइज के लिए कंट्रोल एफ टेन टू डिस्प्लेस द ओपन डायलॉग बॉक्स प्रेस ओपन डायलॉग बॉक्स को डिस्प्ले करने के लिए क्या प्रेस करेंगे एक्सल में राइट right आंसर होगा कंट्रोल प्लस ओ इन एक्सल विच इज यूज टू परफॉर्म अंडू ऑपरेशन अंडू ऑपरेशन को अगर आप एक्सल में परफॉर्म करना चाहते हैं तो किसका यूज करेंगे राइट right आंसर होगा कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट की ओपन द गो टू डायलॉग बॉक्स एक्सएल में गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन करने का शॉर्टकट की क्या होता है राइट right आंसर होगा एफ फाइव फिच शॉर्टकट की इज यूज टू कॉपी द सेलेक्टेड सेल्स इन एम एस एक्सल सेलेक्टेड सेल्स को कॉपी करने के लिए आप प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस सी टू डिस्प्ले द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स प्रेस करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस एफ जब आप कंट्रोल एफ प्रेस करते हैं तो फाइंड और रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स साथ में आता है फिर शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट अर्कशीट न्यू वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए आप किस शॉर्टकट की shortcut key का यूज करेंगे करेक्ट आंसर होगा अल्ट स्विफ्ट प्लस एफ वन विच क्रिएट्स अ चार्ट ऑफ द डेटा इन द करेंट रेंज किसी भी डेटा को चार्ट क्रिएट करने के लिए करेंट रेंज में किसे प्रेस करेंगे राइट right आंसर होगा अल्ट प्लस एफ वन टू ओपन द एक्सल फॉर्मूला विंडो प्रेस एक्सेल फॉर्मूला विंडो को आप कैसे ओपन कर सकते हैं राइट आंसर होगा स्विफ्ट प्लस एफ थ्री विच ऑफ शॉर्टकट की कैन बी यूज टू एडिट द कंटेंट्स ऑफ अ सेल सेल के कंटेंट्स को एडिट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे आप राइट right आंसर होगा एफ टू की प्रेस करेंगे तो आप सेल के कंटेंट को एडिट कर सकते हैं क्योंकि जो आपका सेल होता है वो एक्टिवेट हो जाता है हाउ कैन यू रिपीट द लास्ट कमांड और एक्शन इन एक्सल करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस वाई टू कट सिलेक्टेड सेल्स शॉर्टकट की इज जो भी सेल्स सिलेक्ट है उसे कट कैसे करेंगे करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस एक्स टू डिस्प्ले द प्रिंट डायलॉग बॉक्स इन एक्सल प्रेस राइट आंसर होगा कंट्रोल पी वट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू कॉमेंट इन अ सेल सेल में अगर आप कॉमेंट को एड करना चाहते हैं तो क्या शॉर्टकट की का यूज करेंगे राइट right आंसर होगा Shift plus F2। Without using the mouse or arrow keys, what is the shortcut way to access cell A1 in a spreadsheet? आप एक्सल के किसी भी रो कॉलम या सेल में हो कह लीजिए सीधे बिना माउस और एरोकी को प्रेस किए हुए कैसे एवन सेल में पहुँचेंगे राइट आंसर होगा प्रेस कंट्रोल प्लस होम प्रेस करके देखिएगा आप सीधे ए वन सेल में पहुंच जाएंगे वट इज द शॉर्टकट की टू हाईलाइट द इंटायर कॉलम इंटायर कॉलम को हाईलाइट करने का शॉर्टकट की क्या होता है ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है राइट right आंसर होगा कंट्रोल स्पेस बार वट इज द शॉर्टकट की टू अपडेट फॉर्मूला इन अ टेबल अगर आप टेबल में फॉर्मूला को अपडेट करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की क्या होता है राइट right आंसर होगा F9. नाइन वट इज द शॉर्टकट की टू रिप्लेस डेटा विध अनदर इन सीट किसी भी डेटा को अदर डेटा से रिप्लेस करने के लिए सीट में आप किसका यूज करेंगे करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस एच क्योंकि रिप्लेस का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एच द शॉर्टकट की टू हाइड इंटायर रो इंटायर रो को हाइड करने के लिए क्या प्रेस करेंगे आप करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस नाइन व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अनहाइड इंटायर रो अगर आपने इंटायर रो को हाइड कर दिया है अनहाइड करने के लिए आप क्या प्रेस करेंगे राइट right आंसर होगा कंट्रोल शिफ्ट नाइन प्रेस करेंगे तो इंटायर रो जो आपने हाइड किया है अनहाइड हो जाएगा व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाइड इंटायर कॉलम इंटायर कॉलम को हाइड करने का शॉर्टकट की इनमें से कौन सा है करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस जीरो इसे ओ मत समझिएगा ये जीरो है कंट्रोल जीरो की मदद से आप इंटायर कॉलम को हाइड कर सकते हैं एक्सेल में तो इसी के साथ हमारा पार्ट थ्री खत्म होता है जिसमें हमने थर्टी थ्री को कवर किए हैं अब आपको ये बताना है कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन को सही कर पाए हैं कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। आगे बढ़ेंगे हम पार्ट फोर की ओर, जिसमें हम पावर पॉइंट के ट्वेंटी थ्री को देखेंगे जब भी पावर पॉइंट से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो कई सारे टर्म का यूज़ करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जैसे पावर पॉइंट एम एस पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पी पी टी स्लाइड या फिर पावर पॉइंट एप्लीकेशन इनमें से किसी भी टर्म का यूज़ किया जा सकता है एग्जाम में अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज टू स्टार्ट स्लाइड शो स्लाइड शो स्टार्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है करेक्ट आंसर होगा सी नंबर एफ फाइव एग्जाम में एक ये भी क्वेश्चन आता है फिश की इज यूज टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगनिंग अगर आप प्रेजेंटेशन को बिगनिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं तब किस की का यूज करेंगे करेक्ट आंसर होगा ए नंबर एफ फाइव तो देखिए स्लाइड सो स्टार्ट करने का शॉर्टकट की भी एफ फाइव होता है अगर एग्जाम में पूछता है प्रेजेंटेशन को बिगनिंग से स्टार्ट करने का तो भी शॉर्टकट की एफ फाइव ही होता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करेंट स्लाइड जब आप किसी भी प्रेजेंटेशन को करेंट स्लाइड से स्टार्ट करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं करेक्ट आंसर होगा सी नंबर शिफ्ट प्लस एफ फाइव शिफ्ट प्लस एफ फाइव की मदद से आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी स्लाइड से प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन अगर आप सिंगल एफ़ फाइव का यूज़ करते हैं तो आपका प्रेजेंटेशन सीधे बिगनिंग से प्रेजेंट होता है लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ती है करेंट स्लाइड से भी प्रेजेंट करने के लिए इसीलिए आपको याद रखना है शिफ्ट प्लस एफ फाइव फिच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू स्टॉप द स्लाइड शो अब जो स्लाइड शो so हो रहा है उसे स्टॉप करने का शॉर्टकट की क्या होता है करेक्ट आंसर होगा डी नंबर आपको सिंपली प्रेस करना है स्केप की फिच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू सेंटर अलाइन टेक्स्ट इन अ स्लाइड आपके स्लाइड में जो भी टेक्स्ट लेफ्ट साइड से या राइट right साइड से है उसे सेंटर में करने के लिए आप शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल प्लस ई। फॉलोइंग टू ब्रिंग यूजर डायरेक्टली टू द फर्स्ट स्लाइड ऑफ द पीपीटी अगर आप पीपीटी के किसी भी स्लाइड में हैं, सीधे फर्स्ट स्लाइड में जाना चाहते हैं तो इनमें से किस कमांड का यूज़ करेंगे करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस होम अगर आप सीधे लास्ट स्लाइड में जाना चाहते हैं तब किस कमांड का यूज़ करेंगे कभी कभी फर्स्ट स्लाइड के बजाय लास्ट स्लाइड भी एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको याद रखना है करेक्ट आंसर होगा सी नंबर कंट्रोल प्लस एंड आप प्रेस करेंगे तो सीधे स्लाइड के लास्ट में चले जाएंगे वट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट आ हाइपर लिंक इन अ स्लाइड अगर आप स्लाइड में हाइपर लिंक को इंसर्ट करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की की मदद से करेंगे राइट right आंसर होगा कंट्रोल प्लस के कंट्रोल के होता है हाइपर लिंक का शॉर्टकट की आप इसे एम एस ऑफिस में कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं द शॉर्टकट की टू प्रिंट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रिंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल पी का यूज करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू क्रिएट डुप्लीकेट स्लाइड अगर आप डुप्लीकेट स्लाइड्स को क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है राइट right आंसर होगा ए नंबर कंट्रोल डी पावर पॉइंट में हम कंट्रोल डी का यूज़ करते हैं स्लाइड को डुप्लीकेट बनाने के लिए या स्लाइड के अंदर के किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो भी कंट्रोल डी की मदद से बना सकते हैं आप इन सभी काम को कंट्रोल सी और कंट्रोल भी की मदद से भी कर सकते हैं लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है सबसे अच्छा तरीका तो वो कंट्रोल डी ही है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू शो और हाइड ग्रिड लाइन्स इन पावर पॉइंट पावर पॉइंट में ग्रिड लाइन्स को शो करने के लिए या फिर हाइड करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है इनमें से राइट right आंसर होगा शिफ्ट प्लस एफ नाइन विच की हेल्प्स टू गो टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन लाइन के बिगनिंग में जाने के लिए इनमें से किस की का यूज करेंगे राइट आंसर होगा ए नंबर होम की वट इज़ द शॉर्टकट की टू परफॉर्म रीडू ऑपरेशन इन एम एस पावर पॉइंट राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस वाई कंट्रोल एक्स इज यूज फॉर कट कॉपी पेस्ट डिलीट राइट आंसर होगा कट शॉर्टकट की टू अंडरलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया है अंडरलाइन करने के लिए क्या शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल प्लस यू टू अलाइन लेफ्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट प्रेस अगर आपका टेक्स्ट सेंटर में या राइट right साइड में है लेफ्ट साइड में लाने के लिए आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस एल फिर शॉर्टकट की इज यूज टू एड अ न्यू स्लाइड इन द करेंट प्रेजेंटेशन जिस प्रेजेंटेशन में आप काम कर रहे हैं उसी में एक न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस एम कंट्रोल एम का यूज़ करते हैं हम न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल एन का यूज होता है न्यू प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं शॉर्टकट की टू बोल्ड द सिलेक्टेड टेक्स्ट टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट की क्या होता है करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस बी टू जस्टिफाई द सिलेक्टेड टेक्स्ट द शॉर्टकट की ए जस्टिफाई का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस जे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू चेंज द केस ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट के केस को चेंज करने के लिए क्या यूज़ करना है करेक्ट आंसर होगा शिफ्ट प्लस एफ थ्री क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन वट इज द शॉर्टकट की फॉर सिलेक्ट ऑल स्लाइड्स सभी स्लाइड्स को अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की की मदद से कर सकते हैं करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस ए फिच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स अगर आप ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की मदद से कर सकते हैं इनमें से राइट right आंसर होगा सी नंबर कंट्रोल प्लस एफ ट्वेल्फ ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन करने का एक और शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ओ टू सिलेक्ट मोर देन वन स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन जब आप प्रेजेंटेशन में एक से ज़्यादा स्लाइड को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो क्या करते हैं कंट्रोल ए के मदद से पूरा स्लाइड सिलेक्ट हो जाता है मैनुअल स्लाइड को सिलेक्ट करने के लिए एक से ज़्यादा हम प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस क्लिक ऑन द स्लाइड यानी कि आप कंट्रोल की को प्रेस करके रखेंगे उसके बाद जिस जिस स्लाइड को सिलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करते रहिए वो सिलेक्ट हो जाएगा तो ये था पावर पॉइंट एक्सल वर्ड और विंडोज से रिलेटेड शॉर्टकट की जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इसी के साथ हमने पार्ट फोर भी कंप्लीट किए आपने ट्वेंटी थ्री में कितने क्वेश्चन को सही किए हैं कॉमेंट में लिख के ज़रूर बताएँ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें